नमस्कार, मैं हूं वजह और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। नो एंट्री के सीक्वल की लेटेस्ट न्यूज। नो एंट्री सीक्वल के लिए मिल गई हीरोइन बोनी कपूर, अब लगाएंगे तारा सुतारिया पर दाव। क्या है नो एंट्री से जुड़ी ये एक बड़ी खबर, आइए आपको बताते हैं। वेल, डायरेक्टर अनीस बज्मी की नो एंट्री काफी समय से अटकी पड़ी है और अब सुनने में आ रहा है कि इसकी कास्टिंग शुरू हो चुकी है। प्रोड्यूसर बोनी कपूर के बैनर तले बनी सुपरहिट फिल्म नो एंट्री बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही थी। फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीन खान, बिपाशा और लारा जैसी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट थी, जिसने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिली अपार सफलता के बाद ही मेकर्स ने ये ऐलान कर दिया था कि वो इसका सीक्वल बनाएंगे, लेकिन ये अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा है। अगर नो एंट्री सीक्वल में आ रही ताजा जानकारी की माने तो सुनने में आ रहा है कि इसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस तारा सुतारिया नजर आ सकती हैं। सोर्सेस की माने तो तारा सुतारिया लगातार नो एंट्री सीक्वल के सिलसिले में निर्माताओं से बात कर रही हैं और हाल ही में उन्होंने डायरेक्टर अनीस बज्मी से मुलाकात भी की। इसके अलावा माना जा रहा है कि तारा सुतारिया आंखें 2 में भी नजर आ सकती हैं। तो इस तरह से 2 सीक्वल में नजर आ सकती हैं तारा सुतारिया। सोर्सेस की माने तो सलमान खान नो एंट्री के सीक्वल में काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, जिस वजह से मेकर्स उनके बिना ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सलमान खान की जगह फिल्म में अर्जुन कपूर को लेने की बात चल रही है। अर्जुन कपूर के साथ साथ फिल्म में अनिल कपूर भी सीक्वल का हिस्सा रहेंगे। अनिल कपूर के किरदार को नो एंट्री में काफी पसंद किया गया था, जिस वजह से मेकर्स सीक्वल में भी उसे रखेंगे। अनिल कपूर के अलावा पुरानी स्टार कास्ट में कौन कौन से कलाकार सीक्वल का हिस्सा होंगे ये फिलहाल तो साफ नहीं हुआ है। वेल, तारा सुतारिया के प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में कदम रखा और इस फिल्म में उन्हें काफी पसंद किया गया। तारा सुतारिया अपने लुक्स की वजह से काफी चर्चाओं में रहती हैं। तारा बेहद खूबसूरत हैं और हर इवेंट पर वो काफी खूबसूरत लुक में नजर आती हैं। तारा सुतारिया इस समय अहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म RX100 रीमेक में बिजी हैं, जिसे साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रही हैं। तो वहीं पर वो मरजामा में भी नजर आने वाली हैं। फिलहाल तारा सुतारिया बॉलीवुड का ऐसा चेहरा बन चुकी हैं जो काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। उन्हें कई फिल्में ऑफर होती ही जा रही हैं और अब तारा सुतारिया की नो एंट्री के सीक्वल में एंट्री की संभावनाएं। फिलहाल देखते हैं नो एंट्री के सीक्वल पर अगली अपडेट क्या आती है। इस वीडियो में बस इतना ही।